प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी बहुत दूरदर्शी नेता है। उनने किसानों के कल्याण के लिए अल्पकालीन योजना भी बनाई, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना तत्काल किसान को मिले, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एक नहीं ऐसी अनेकों योजना, लेकिन उन्होंने दीर्घकालीन नीतियां भी बनाई। और ये तीनों कानून, मैंने कहा था ये कांग्रेस भी पहले कहती थी जब सत्ता में थी, ये सुधार जरूरी है। कृषि कानून, एपीएमसी एक्ट में सुधार की बात वो करते थे, ये व्यापक हित में है किसान के। और ये बात लगातार मध्य प्रदेश में हम किसानों के बीच ले जा रहे हैं। अरे तो स्वतंत्र कर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान को, नहीं तो बंधक था कि मंडी में ही बेचो, मंडी एरिया के बाहर, अगर मंडी के बाहर अगर बेची तो ट्रक पकड़ लिए जाते थे, मंडी टैक्स की चोरी की, अवैधानिक काम किया। अब प्रधानमंत्री जी ने तो किसान को स्वतंत्र कर दिया कि मंडी में चाहो तो मंडी में बेचो, मंडी चालू रहेगी, मंडी के बाहर बेचना मंडी के बाहर बेचो, फूड प्रोसेसर को बेचो, किसी एक्सपोर्टर को बेच दो, कोई अगर वेयर हाउस पर खरीदता तो उसको बेच दो लाइसेंस लेके, क्या दिक्कत है। जहां किसान को सही दाम मिलेगा वो खेत पर बेचेगा, वो खलिहान में बेचेगा, वो घर पर बेचेगा, वो मंडी में बेचेगा, किसी को आपत्ति क्या, काय को अशुभ आएगा। और दूसरा कानून भी, अगर बोते समय मुझे कीमत के दाम पता चल जाते हैं, आज तो जुआ है, मैं बोलता हूं तो 6000 रुपया क्विंटल बिकता है सोयाबीन, और जब मैं काटता हूं तो 2000 रुपया क्विंटल हो जाता है। अगर मुझे बोते समय रेट पता चल जाए कि इस भाव पर मिलेंगे, इस भाव पर बिकेगी मेरी फसल, तो किसी को आपत्ति क्या इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। और जिसकी बात आप कर रहे थे कि वहां खुद किसान लाभ कमा रहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से, अब कोई ये क्या कंपनी कब्जा कर लेगी, कोई कब्जा तो करके देखे, किसान के खेत में आज किसी में हिम्मत है कि कहीं से बाहर से आके कंपनी कब्जा कर लेगी। पहले से रेट पता चल जाना, अच्छा खाद बीज मिल जाना, और उस पर बैठना, आपको पता पिपरिया में 3000 रुपया क्विंटल दिल्ली की राइस कंपनी ने किसान से रेट तय किए थे, बोलते समय नहीं दे रहे थे, तो एसडीएम ने बुलवाया और 3000 रुपया इसी कानून के तहत 3000 रुपया क्विंटल बिक पाया। हित में तीसरी बात स्टॉक लिमिट की है, क्यों स्टॉक लिमिट होनी चाहिए, किसान की फसल के लिए स्टॉक लिमिट, आलू इतने क्विंटल से ज्यादा नहीं लोगे, प्याज 40 क्विंटल से ज्यादा नहीं खरीदोगे, क्यों नहीं खरीदोगे। अगर स्टॉक लिमिट समाप्त होगी तो अनलिमिटेड खरीदी होगी तो कीमत बढ़ेगी, और इसलिए स्टॉक लिमिट समाप्त की है नरेंद्र मोदी जी ने, किसान को आजाद किया है सही अर्थों में नरेंद्र मोदी जी ने। और ये तीनों कानूनों का हम समर्थन कर रहे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी ने मेरे अध्यक्ष जी विष्णुदत्त शर्मा जी साथ में हमने 7 सम्मेलन किए, हजारों किसानों ने खड़े होके दोनों हाथ ऊपर उठा के इन किसान कानूनों का समर्थन किया है। और कल फिर 18 तारीख को किसानों के खाते में 1600 करोड़ रुपए की पहली किस्त राहत की राशि की हम डाल रहे हैं। जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो राहत का पैसा भी खा गए थे, दिया ही नहीं किसानों, हम राहत की राशि डाल रहे हैं, हम किसान क्रेडिट कार्ड बांटेंगे, हम एग्रो इंफ्रा के लिए कुछ कामों का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। और मुझे बताते हुए खुशी है कि ये कार्यक्रम रायसेन में तो मैं अध्यक्ष जी हम स्वयं रहेंगे, हजारों किसान वहां होंगे, लेकिन जिलों पर भी ये कार्यक्रम है, ब्लॉक पे होगा, और मध्य प्रदेश की सभी 22,800 ग्राम पंचायतों में ये कार्यक्रम होगा, जहां किसान बैठेंगे और किसानों को माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन भी इस विषय पर होगा। हम कोई भ्रम नहीं रहने देंगे, मध्य प्रदेश में कोई भ्रम ही नहीं है, लेकिन कुछ लोग भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, विशेषकर वो राजनीतिक दल जो मोदी जी के सामने मैदान में टिकते नहीं है, जिनकी कोई हैसियत नहीं है, वो किसानों के कंधों पर रख के बंदूक चलाना चाहते, उनका ये प्रयास सफल नहीं होगा।